क्ले किचन कुकिंग टूल्स। भद्री नाम के गांव में ठीक से बारिश नहीं गिरने के कारण सारे खेत सूख गए। इस वजह से बेचारे किसानों को कोई काम नहीं था। एक बार उनके पास गांव का प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन साहो आए। गांव वालों से प्रेसिडेंट, अरे अरे तुम्हारे दिन कितने खराब चल रहे हैं, तुम्हारे दुख को देख नहीं पाया, इसलिए ये देखो साहो जी को साथ लेकर आया हूँ। इनके साथ आप एक अच्छा डील सेट किए तो एक रुपया खर्च करे बिना अच्छे से पैसे कमा सकते हो, पता है? कहा। तब शाम नाम का गांव वाला, प्रेसिडेंट जी पहले बात क्या है वो बताइए, वो अच्छी बात है या नहीं हम निर्णय करेंगे। कहा। साहो तब, भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बोलता हूँ ना प्रेसिडेंट जी को कुछ पता नहीं है। बात ये है कि हमारे गांव के मिट्टी का अच्छा डिमांड है, उससे हम शहर में सप्लाई किए तो पेड़ पौधे उगाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। ट्रैक्टर भर मिट्टी को 500 रुपए दूंगा, क्या कहोगे? कहा। शाम तब, ये बात बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे भी किसान को मिट्टी बेचने के लिए कहोगे? प्रेसिडेंट जी पहले गांव में पानी लाने का इंतजाम कीजिए, तब सब अच्छे से जिएंगे। कहा। तब प्रेसिडेंट, भाई आप लोगों को इस शाम के बारे में पता है ना, ये सुधरेगा नहीं और सामने वाले को भी सुधरने नहीं देगा, और थोड़े महीनों तक पानी आने के चांसेस कम है, तब तक तुम्हारे बच्चों को भूखे मारोगे क्या, सोचकर बताओ। कहकर वहां से चला गया। बाद में शाम बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर भी गांव वाले शाम को मिट्टी बेचने के लिए मान गए। तब से शाम थोड़े लॉरी और ट्रैक्टरों में गांव के मिट्टी को खोदकर ले जाने लगा। ये देखकर शाम बहुत दुखी हुआ। वो अपने दोस्त बिरजू से, भाई हमारे लोगों के कमजोरी का ये लोग अच्छे से फायदा उठा रहे हैं, अब ये मिट्टी गई तो कल के दिन बारिश गिरने के बाद पानी आए जब हमारे खेत में मिट्टी नहीं रहेगी, फसल नहीं उगेगी, फसल हाथ नहीं आएगी, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहा। बिरजू तब, तुम्हारे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा यार, लोगों को तुम पर भरोसा करना होगा, और दूसरी बात उन्हें इनकम दिखाना होगा, तब जाकर तुम्हारी बात सुनेंगे, उसके बारे में कुछ सोचो। कहा। तब से शाम अच्छे से सोचकर पूरा शहर घूमने लगा। शहर घूमकर थोड़े दिनों के बाद गांव को आकर अपने खेत में के मिट्टी को लेकर उनसे क्ले किचन टूल्स को तैयार किया। एक बार उनमें खाना बनाकर गांव वालों को भोजन के लिए बुलाया। उन बर्तनों में बनाए व्यंजनों को गांव वाले बहुत चाव से खाए। खाना खाने के बाद बबीता नाम की एक महिला, श्याम तुम्हारा खाना बहुत अद्भुत है, करी पॉइंट लगाने का इरादा है क्या? तब हम लोगों के पति तुम्हारे व्यंजन ही खाएंगे, और तुम्हारी होने वाली पत्नी भी बहुत किस्मत वाली है। बोली। श्याम तब, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तुमने खाना खाया है ना, ये स्वाद कैसे आया तुमने गौर किया क्या? मिट्टी से बनाए बर्तनों में पकाने के वजह से वो स्वाद आया है, ये बर्तन हमारे पूर्वजों की दी हुई सेहत है, ये हमारी जायदाद है, और ऊपर से आजकल दुनिया भर में ये मिट्टी के बर्तन बहुत ट्रेंड में है, हमारे गांव के मिट्टी से नंबर वन क्वालिटी के चीजें तैयार कर सकते हैं, इसलिए हमारे खेतों को आने वाले पानी को रोककर साहो ने हमारे खेतों को सुखाया है। वो उस प्रेसिडेंट से हाथ मिलाकर मिट्टी को खोदकर ले जा रहा है, तुम्हें ये बात पता है क्या? एक ट्रैक्टर भर के मिट्टी से हम 2 लाख रुपए के मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच सकते हैं, मगर हमारे मिट्टी को वो सिर्फ 500 रुपए देकर ले जा रहा है, अब तो भी आप मेरी बात समझे तो अच्छा रहेगा। कहा। तब लोग सच है कहकर बात मान गए। उस दिन से कोई भी साहो को मिट्टी नहीं बेचेंगे कहकर निर्णय लिए। अगले दिन मिट्टी के लिए आए साहो वालों से लोग मिट्टी देने से इनकार किए। साहो अपने आदमियों से लोगों को डराने के लिए देखा तो गांव वाले मिलकर साहो और उसके आदमियों को, उनके साथ साथ बीच में आए प्रेसिडेंट को भी खूब मारे। बाद में शाम के दिए आइडिया से गांव वाले मिलकर क्ले किचन टूल्स तैयार करके दूसरे गांव को एक्सपोर्ट करने लगे। दूर दूर से व्यापारी उस गांव को आकर क्ले किचन टूल्स खरीद कर ले जाने लगे। गांव वाले सब धनवान बने